विधायक बच्चू कड़ू इनसे विविध मुद्दों पर हमारी संवाददाता क्षितिजा देशमुख ने संवाद साधा है। इस दौरान बच्चू कड़ू बोले कि किसान बेमौसम बारिश का नहीं सरकार की नीति का मारा है। विदर्भ में किसानों का मुद्दा जो है वो गर्माता जा रहा है। किसानों को जो है बेमौसम बारिश से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, मुआवजे की राह में किसान है। क्या बताओगे, हम देख रहे हैं कि कई बार ऐसा कहा जा रहा है कि विदर्भ के मुद्दों को जो है विधायक सदन में नहीं उठा रहे। बारिश से ज़्यादा नीतियाँ से मरा है। जैसे कपास के भाव हमने 8355 का सिफारिश किया था राज्य सरकार ने, और वो भी 15% मुनाफा लेके। अब 15% मुनाफा तो मिला ही नहीं। अब 8000 रुपये अगर भाव मिले 8355, तो उसमें 15% नफा मिल सकता है किसानों को, ऐसा राज्य सरकार और हमारी कृषि विद्यापीठ कहती है। लेकिन केंद्र ने जब भाव जाहिर किए कपास के, वो 6,335 यानी 2,000 का बीच में फ़र्क है। तो ये बात तो मुनाफे की है ही नहीं, घाटे की आ गई, और 2,000 घाटा लेकर किसान अपना माल बेच रहा है। तो इससे ज़्यादा बारिश से ज़्यादा तो नुकसान नीतियों से हुआ, और हर फसल के यही हाल है, पूरे देश के अंदर यही हाल है। तो इसे ना हमारे विधायक, हमारे खासदार MP लोग है वो उठाते नहीं, क्योंकि उनके हाथ में पक्षों का झंडा है, पार्टी का झंडा है। अब पार्टी का झंडा छोड़कर कोई किसान की बात रखने की जो उसकी ताकत होना चाहिए वो नहीं है। ये तो सब गुलाम है पार्टी के, आमदार खासदार वो पार्टी के गुलाम है। हम बगैर पार्टी में है इसलिए तो बोल तो भी सकते यहाँ तुम्हारे सामने। अगर मैं पार्टी में रहता था तो बोल नहीं पाता था, क्योंकि टिकट मांगने के लिए उनके पास जाना पड़ता था और बोलते थे आप टिकट नहीं देते, पार्टी के खिलाफ बात की है आपने। तो इसीलिए मेरे को ऐसा लगता कि आगे का कुछ हो तो आज़ाद जो निर्दलीय विधायक और खासदार की संख्या बढ़ना चाहिए, तब जाकर कुछ अच्छा होगा ऐसा लगता है। जिस तरह से अभी आपने कहा, जिस तरह से रोष व्यक्त किया, हमेशा ही आप अपने मुद्दों को लेकर सदन में आक्रामक रहते हो, और अभी 3 दिन पहले भी आपने सदन जो है आपके चर्चा से जो है पूरा तहलका मचा दिया था। आपने ये भी कहा था कि राज्य में अगर शांति चाहिए तो प्रकाश अंबेडकर को राज्य के मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। दो बात यह है, एक तो प्रकाश जी बहुत ये सब बात को समझते हैं, और दूसरी पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर के वो वंशज है, तो जिन्होंने इस देश को घटना दी और जिस तरह से उन्होंने अपने देश को बचाया है, मजबूत किया है, तो क्यों ना उनको CM बनाए। तो इस हेतु से मैंने बात रखी थी। हम देख रहे हैं कि जिस तरह से आप आक्रामक होते हो, आप अभी सत्ता में हो, अपक्ष हो पर लेकिन सत्ता में हो, तो सत्ता में रहने के बाद आप विधायक हो और आपको ही आक्रामकता से अपने मुद्दों को रखना पड़ता है या अपनी मांगों को लेकर लड़ना पड़ रहा है, तो संख्या कम है ना हमारी, संख्या जिस बढ़ेंगे जिस दिन बोलेंगे, हम बोलेंगे कम काम ज़्यादा करेंगे। तो ये थे बच्चू कड़ू, इनसे हमने संवाद साधा। इन्होंने कहा है कि जिस दिन हमारी संख्या बढ़ेंगी हम तब बोलेंगे कम और काम ज़्यादा करेंगे। कैमरा पर्सन अजीत कौर के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, BCN News नागपुर।